हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। एंड फाइनली अभी कार्तिक मंथ ख़त्म हो गया है एंड अभी आ गया है मार्गशीर मंथ। जो लोग उड़िया लोग हैं, उड़िया व्यूअर्स हैं, दे कैन रिलेट टू मी। सो ये जो मंथ होता है मार्गशीर मंथ का, हर थर्सडे जितने भी उड़िया फैमिली है उड़ीसा में, हर फैमिली में माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज है वेडनेसडे एंड कल है थर्सडे। मैं भी जब तक ये व्लॉग जाएगा थर्सडे हो गया होगा, तो मैं आज शूट कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं एडिट करके पोस्ट करूँगी तो वो कल तक ही पहुँचेगा आपके पास। सो आज का दिन जो होता है पूरा दिन प्रिपरेशन में ही गया। हम लोग घर की साफ सफाई एंड जो पूजा करने का बर्तन वगैरह सब होता है एंड पूजा रूम को अच्छे से क्लीन किए, साफ सफाई किए, ये सारे चीज़ों में, ये सारे काम में पूरा दिन चला गया। एंड अभी काफ़ी लेट हो गया है। मैं सोना के लिए हमेशा एक लाइक होममेड सेरलेक बना के घर पे रखती हूँ, उड़िया में उसको छतुआ बोलते हैं। तो वो ख़त्म हो गया है, अभी मैं जाऊंगी उसके लिए बनाऊंगी, वो सेरेलेक प्रीमिक्स बनाऊंगी। सो दिखाऊंगी मैं अभी आपको एंड उसके बाद डिनर के लिए कुछ बनाना है। एंड जितने भी वेडनेसडे आते हैं इस मंथ में, तो घर में पूरा चारों तरफ रंगोली बनाते हैं थर्सडे पूजा के लिए, तो वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था। तो जल्दी जल्दी मैं कुकिंग ख़त्म करती हूँ, उसके बाद हम रंगोली बनाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं। हो गया है एक फुल बड़ा वाला डिब्बा सेरेलेक प्रीमिक्स बना के मैं रख ली हूँ। ये एटलीस्ट 3 महीने तो अच्छे से चला जाएगा, 2 से 3 महीना। सो लास्ट टाइम भी मैं इसका जब मैं बनाई थी सोना के लिए, डिटेल में उसका एक वीडियो बना के रखी थी एंड पता नहीं बाय मिस्टेकली कैसे डिलीट हो गया वो वीडियो, तो मैं वो पोस्ट नहीं कर पाई। बट इस बार मैं अच्छे से इसको शूट करके डिटेल में एक्सप्लेन करके सूट की हूँ। मैं अलग से सेरेलेक प्रीमिक्स का एक अलग वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। सो ठीक है, अभी मुझे डिनर के लिए कुछ बनाना है। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बनाने का मूड नहीं होता या फिर खाना बनाने के लिए एनर्जी नहीं होती, तो झटपट कुछ वन पॉट मील बना के खा लेते हैं। तो मैं अभी खिचड़ी बनाऊँगी रात के लिए। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे खिचड़ी बनाना है। सो देखिए, यहाँ पे मैं सारी ज़रूरत के चीज़ों को निकाल के रखी हूँ। सो देखिए, यहाँ पे मैं बासमती चावल को धो के भिगो के रखी हूँ साफ़ करके। एंड यहाँ पे थोड़े से सोया वर्डी को, सोया चंक्स को गर्म पानी में भिगो के रखी हूँ। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ली हूँ, गोभी, यहाँ पे है थोड़ा पनीर, आलू एंड यहाँ पे चना दाल को धो के भिगो के रखी हूँ। एंड ये है कुछ चॉप टमाटर एंड यहाँ पे कुछ ऑनियन को मैंने इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस करके रखा है। ये है ग्रीन चिल्ली, थोड़े से कस्तूरी मेथी, जीरा
एंड यहाँ पे कुछ तड़कों के चीज़ रखी हूँ, तेज़पत्ता, दालचीनी, करी पत्ता, काली मिर्च, लौंग, सूखे लाल मिर्च, ये सब। एंड यहाँ पे अदरक को इस तरह से मैं कद्दूकस करके रखी हूँ। यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, थोड़े से काजू, थोड़े से किशमिश, ये सब। एंड यहाँ पे मैं दो तरह के दाल को धो के रखी हूँ, आधा कप मूंग दाल, आधा कप मसूर दाल। एंड बस नमक एंड टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब चाहिए होता है। एंड मैं मस्टर्ड ऑयल से बनाऊँगी, आप चाहे तो कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सो ठीक है, सारी तैयारी हो गई है। सो ये पॉट में मैं बनाऊँगी, आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। सो ठीक है, अभी हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कुकिंग पॉट को गरम कर रही हूँ, उसके बाद उसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल, फिर इसमें जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रखा था काजू एंड किशमिश को, उसको अच्छे से फ्राई करके निकाल दूँगी सबसे पहले। अभी सेम पॉट में मैं थोड़ा सा और ऑयल ले रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल, एंड उसमें सारे तड़के के चीज़ में डालूँगी, तेज पत्ता, करी पत्ता, लौंग, काली मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी का, एंड सूखा लाल मिर्च, ये सब डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हरी मिर्च भी मैं इस टाइम पे ही डाल ले रही हूँ। एंड ये सब जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, जो स्लाइस करके ऑनियन को मैं रखी थी वो सब डाल लूँगी। ऑनियन को थोड़ा हम भुनेंगे जैसे कि इसका कच्चापन चला जाए। सो देखिए यहाँ पे ऑनियन अच्छे से कुक हो गया है। अभी कद्दूकस करके मैं अदरक को रखी थी उसको डाल ली हूँ, एंड इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं सारे वेजिटेबल्स डाल लूँगी, जैसे कि आलू हो गया, गोभी एंड पनीर मैं ली हूँ। आप चाहे तो आपके मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं। सो सबको एक अच्छा सा मिक्स मैं दे रही हूँ। एंड अभी जो सोया चंक्स को गर्म पानी में भिगो के रखी थी उसको अच्छे से पानी को निचोड़ के इसमें डाल रही हूँ। देखिए अभी चना दाल को पानी में भिगो के रखी थी उसको मैं डाल रही हूँ। इसको बस थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। जब थोड़ी देर ये कुक हो जाएगा उसमें दाल को, दो तरह के जो मैं दाल ली थी उसको अच्छे से धो के रखी थी उसको मैं डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें डालूँगी नमक एंड थोड़े से हल्दी पाउडर, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसमें राइस डालूँगी, बासमती राइस को मैं धो के आधा घंटा के लिए भिगो के रखी थी इसको डाल रही हूँ। सो खिचड़ी होता है जो लाइक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होता है, जल्दी बन जाता है एंड सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स, दाल सब रहता है, तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है। सो देखिए सारे चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एंड जितना अमाउंट का मैं राइस एंड दाल ली थी उसका डबल अमाउंट का पानी मैं ऐड कर रही हूँ। एंड आखिर में मैं इसमें डालूँगी कस्तूरी मेथी एंड जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके हम पहले रखे थे उसको डाल रही हूँ। एंड इसको अभी हम ढककर पकाएंगे जब तक ये 80% तक कुक ना हो जाए, तब तक हम इसको ढककर इस तरह छोड़ देंगे। एंड देखिए अभी ये ऑलमोस्ट 80% तक कुक हो गया है। उसके बाद सबसे आखिर में डालेंगे टमाटर, एंड टमाटर डालने के बाद और 5 मिनट हम इसको ढककर पकाएंगे। बस हमारा खिचड़ी बनके रेडी हो गया है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है एंड कितना डिलीशियस दिख रहा है। डिनर ख़त्म होने के बाद, जैसे कि हमारा रिवाज है कि मार्गशीर्ष मंथ का हर थर्सडे को लक्ष्मी पूजा होता है एंड उसके पहले दिन सारे प्रिपरेशन होता है, तो लक्ष्मी पूजा के लिए मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। एंड घर पे ऐसा कुछ इवेंट होता है, लाइक एक्टिविटी होता है, तो सोना सबसे ज़्यादा एक्साइट
हो जाती है। देखिए यहाँ पे सोना कैसे मस्ती कर रही है। देखिए इस तरह से मैंने रंगोली बनाई है। एंड जो फर्स्ट थर्सडे होता है उसमें इतना कुछ नहीं करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा रंगोली बनाते हैं, ऐसे ही पूजा करते हैं। जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ थर्सडे होता है वो ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए सोना नीचे आएगी तो सीढ़ी में गिर जाएगी बोल के मैं उसको इस तरह से दरवाज़ा लॉक करके रख ली हूँ, तो वो अंदर से देख रही है। सो यस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।